Dear students, have a nice day, all of you. I hope that all of you will be safe at home. And I pray that God may provide you patience and courage to fight against the coronavirus. As you know that in the second part, I have already told you about rainbow. But today, I am going to introduce you about panorama. As you know that आपके पास दूसरी किताब जो है वह कौन सी है? panorama. कौन सी किताब है? panorama. आपको याद होगा मैं बता चुका हूँ कि ये आपकी कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स की, अर्थात 15 अंक की आती है. बताइए कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स, मतलब 15 अंक की आती है. और इसमें जो टोटल लेसन होते हैं वह कितने लेसन होते हैं? 11 लेसन्स. यानी कुल इसमें आपके 11 लेसन होते हैं. और जो बोर्ड में आपका पेपर होता है उसमें इस पनोरमा से जो क्वेश्चन होते हैं वह 24 से लेकर के 28 तक होते हैं. कितने तक होते हैं? 24 से लेकर के 28 तक, अर्थात 24, 25, 26, 27, 28. यानी कुल इस पनोरमा से कितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में? 5. फिर से ध्यान देना कि दूसरी किताब जो है वह आपकी कौन सी है? पनोरमा. ये कितने नंबर की आती है? 15. और इसमें कुल लेसन जो होते हैं वह कितने होते हैं? 11. और इसमें जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है वह 24 से लेकर के 28 तक होती है. कुल क्वेश्चन जो होते हैं वह कितने होते हैं? 15. तो आज मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं कि जो ये 11 लेसन है ये कौन कौन से हैं, इनको कौन लिखा है और इस पे किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं. नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैंक बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. पहला लेसन इसका जो है वह आपका है द टाइगर अ किंग. बताइए कौन सा लेसन है? द टाइगर किंग. इस द टाइगर किंग का मतलब होता है बाघ राजा. इसको ये एक स्टोरी, स्टोरी का मतलब कहानी है. तो जो इसको लिखने वाला होगा वो स्टोरी राइटर होगा, उसका नाम जो है वो यहाँ पे है रामा स्वामी अय्यर कृष्णा मूर्ति. ध्यान देना आप लोग, जो स्टोरी राइटर है उसका नाम यहाँ पे क्या है? रामास्वामी. फिर यहाँ पे आपका अय्यर और कृष्णा मूर्ति. अब इस लेसन में इनका नाम जो है वह कालकी भी रखा गया, क्योंकि इनके पत्नी का नाम जो है वह कल्याणी था. उसी अपने पत्नी के नाम और अपने कृष्णामूर्ति के नाम को मिला करके इन्होंने अपना उपनाम जो है वह क्या रखा था? कालकी. तो आप लोग ध्यान रखना, इनको एक उपनाम कालकी से भी पुकारा जाता है. इस रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति ने इस लेसन द टाइगर किंग में ये प्रस्तुत किया है. इसमें एक जिलानी जंग जंग बहादुर नामक एक राजा था, ठीक है. जब वो पैदा हुआ और वो केवल 10 या 11 दिन का था तो उस समय एक ज्योतिषी ने उसकी भविष्यवाणी की थी कि इस बालक का जन्म जो है वो एक दिन बाघ से होगा. जब राजा 20 ईयर्स का मतलब 20 वर्ष का हो जाता है और वो राजा बन जाता है, प्रतिबंधनपुर राज्य का राजा बन जाता है, और उसके बचपन में जो भविष्यवाणी की गई थी उसको उसके बारे में पता था, ठीक है. और इस बात को लेकर के वो जंगल में जा करके एक शेर का शिकार कर देता है. शेर का शिकार करने के बाद जब टाइगर का शिकार, बाघ का शिकार कर देता है तो उसको लेकर के अपने शिकारियों से कहता, अपने सांप जो आदमी थे उनसे कहता इसको राजमहल ले आया जाए. राजमहल ले आ करके उस भविष्यवक्ता को बुलाता है जो भविष्यवक्ता आज से 20 साल पहले, मतलब उस घटना के समय से 20 साल पहले उसकी भविष्यवाणी किया था. जब उस भविष्यवक्ता को बुला करके उस मरे हुए बाघ को दिखाता है तो उसे कहता है कि आज से 20 साल पहले
आपने मेरी भविष्यवाणी किया था कि मेरी मृत्यु एक टाइगर, टाइगर का मतलब होता बाघ से होगी, और मैंने इस बाघ को मार दिया, अब आप क्या कहते हो? तब वो ज्योतिषी कहता है कि महाराज आप इसी तरीके से 99 का मतलब 99 बाघों को तो मार सकते हो, लेकिन 100वां बाघ जो है वह आपको मार देगा। तो इस बात का पूरा विवरण इस लेसन में प्रस्तुत किया गया है, द टाइगर किंग। दूसरा लेसन देखिए, दूसरा लेसन जो है वह आपका है द पोर टे इट आव अ लेडी। ध्यान देना, द पोर्ट्रेट आव अ लेडी, यानी एक महिला का छाया चित्र, यानी एक महिला का छाया चित्र। इसको लिखने वाले जो है वह है अ खुश अवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। इस खुशवंत सिंह ने इस पूरे लेसन को केवल अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी माता, इस पूरे लेसन को खुशवंत सिंह ने अपने दादी माता के ऊपर प्रस्तुत किया है। जब वो उनकी दादी माता जो है अपने बुढ़ापे में अन्य व्यक्तियों के दादी माता के समान, वो भी एक बूढ़ी महिला की, लेखक अपने दादी माता को पिछले 20 सालों से जानता था, और जब से जानता था तब से उसकी दादी माता बिल्कुल वैसी थी जैसी 20 साल पहले से थी। तो इस लेसन में खुशवंत सिंह ने अपने दादी माता के उस छायाचित्र के बारे में प्रारंभ से लेकर के अंत तक प्रस्तुत किए हैं कि उनकी दादी माता कैसी थी और किस प्रकार से उनके दादी माता के साथ उनकी फ्रेंडशिप का मतलब मित्रता थी। इस बात को आपके इस दूसरे लेसन में प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तीसरा लेसन बच्चों इसमें है आपका द अ गिटार अ प्लेयर। इस द गिटार का मतलब गिटार एक वाद्य यंत्र है, प्लेयर का मतलब यहां पे बजाने वाला, द गिटार प्लेयर का मतलब गिटार वादक अर्थात गिटार को बजाने वाला या वाली। इसी का एक और पार्ट इसमें है आपका स्व अयम अवरा। इन दोनों को जो लिखने वाली कहानीकार है उनका नाम जो है वह है सुनीति नामजोशी। सुनीति अ नाम अजोशी। ध्यान देना फिर से आप लोग, इस तीसरे लेसन में दो खंड है, एक यहाँ पे द गिटार प्लेयर, दूसरा यहाँ पे स्वयंवर। तो इस द गिटार प्लेयर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। इसमें एक लड़की थी जो गिटार बजाती है, उसके पास से एक पासर्सबाई का मतलब राहगीर, एक राहगीर गुजरता है, उसे उस लड़की के इस गिटार के संगीत को सुन करके उस राहगीर को उसे प्रेम हो जाता है, और वो उसके पास आता है और अपने प्रेम के बारे में उसे इजहार करता है। लेकिन लड़की उससे प्रश्न पूछती है कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हो या मेरे इस गिटार से। वो व्यक्ति जो है, वह राहगीर जो है, उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है। कुछ समय बीतता है, एक दूसरा राहगीर उसी जगह से गुजरता है, उसे भी उस लड़की के संगीत को देख करके सुन करके उसे प्रेम हो जाता है, और वो भी उसके पास आता है और वही कहता है, अपने प्रेम का इजहार करता है। लेकिन लड़की फिर पूछती है कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हो या मेरे इस गिटार से। इसके बारे में सुनीति नामजोशी ने इस लेसन में प्रस्तुत किया है द गिटार प्लेयर। डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा खंड है स्वयंबरा अर्थात स्वयंबर, ठीक है। इसमें एक राजकुमारी थी जिसको बचपन में, जब वो छोटी थी तभी से उसे विसल, विसल का मतलब होता सीटी बजाना की आदत थी। लड़की बड़ी होती जाती है, यानी कि राजकुमारी बड़ी होती जाती है और उसकी सीटी बजाने की आदत लगती रहती है, वो छूटती नहीं। जब वो बड़ी हो गई तो राजा और रानी इन उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इस सीटी बजाने वाले लड़की से
आखिर विवाह कौन करेगा, इसके बारे में पूरा विवरण सुनीति नाम जोशी ने इस स्वयंवर लेसन में अप्रस्तुत किया है। अब बच्चों चौथा लेसन जो है वह आपका यहां पे है ड्राट। इस ड्राट का मतलब होता है सूखा, ठीक है। इसको लिखने वाले जो स्टोरी राइटर हैं उनका नाम है शरत अचंद्र अचटर जी। फिर से ध्यान रखना, ये जो चौथा लेसन है वो बताइए आपका क्या है ड्राट। ड्राट का मतलब क्या होता, सूखा। इसको लिखने वाले जो कहानीकार हैं उनका नाम है शरत चंद्र चटर्जी। ये कहानी जो है वह आपके हृदय को द्रवित कर देने वाली कहानी है। ये बड़ी मार्मिक कहानी है। इस शरत चंद्र चटर्जी जो है वह एक काशीपुर नामक गांव की कहानी को इसमें प्रस्तुत किए हैं। काशीपुर नामक गांव में एक जमींदार था जिसका नाम जो है वो सीबू बाबू था। जमींदार जो था वो बहुत निर्दयी था और उसी गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था जिसका नाम जो है वो गफुर था, ठीक है। क्या नाम था, गफुर था। इस गफुर जो है वो अपनी छोटी लड़की अमीना और अपने बैल महेश के साथ इस गांव में बड़े गरीबी से बड़े उत्पीड़न के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो इस गफुर नामक जुलाहे का एकदम मार्मिक विवरण जो है शरत चंद्र चटर्जी ने इस ड्राट लेसन में अप्रस्तुत किया है। अब आ जाइए आपका पांचवा लेसन। पांचवा लेसन जो है वह आपका है लव अक्रॉस द साल्ट डिजर्ट। फिर से ध्यान देना, लव का मतलब होता है प्रेम, अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार या के पार, साल्ट का मतलब होता है नमक, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, यानी नमक के रेगिस्तान के पार का प्रेम। इसको लिखने वाले जो है वह के एन अ दारू वाला। इसको लिखने वाले जो कहानीकार हैं वह के एन दारू वाले। ये बड़ी गजब प्रेम कहानी है जिसमें गुजरात के कच्छ के रण के मैदान में, रण के मैदानों के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक 20 वर्षीय लड़का था जिसका नाम नजब हुसैन था। नजब हुसैन को पाकिस्तान के एक फातिमा नामक लड़की से प्रेम हो जाता है और किस तरीके से वो भारत की सीमा रेखा को पार करके पाकिस्तान पहुंचता है और वहां से अपनी प्रेमिका फातिमा को लेकर के किस प्रकार से वो भारत की सीमा रेखा में वापस आ जाता है, इसका पूरा विवरण जो है इस के एन दारू वाले ने अपने इस लेसन में अप्रस्तुत किया है। यानी लव अक्रॉस द साल्ट डिजर्ट, नमक के रेगिस्तान के पार का प्रेम। छठवां बच्चों लेसन इसमें है आपका अ ट्रबल अ इन अ बोहेमिया। इसको लिखने वाले जो हैं वह हैं आथर अ कानन अ डायल। ध्यान देना बच्चों, ट्रबल का मतलब होता है समस्या यानी परेशानी। इन बोहेमिया, बोहेमिया एक राज्य का नाम है, यानी बोहेमिया में संकट। इसको लिखने वाले जो कहानीकार हैं उनका नाम है आथर कानन डायल। ये गजब की स्टोरी है जिसमें बोहेमिया के राजा को, उस समय वो राजकुमार थे, वो वर्षा नामक स्थान पे एक भ्रमण पर गए थे। वहाँ पे उनकी मुलाकात अमेरिका की एक एक्ट्रेस अभिनेत्री जिसका नाम जो है, ठीक है, अमेरिका की एक अभिनेत्री मिस आरन एडलर, जिसका नाम क्या था, मिस आरन एडलर से उनकी मुलाकात होती है। पहली नज़र में ही बोहेमिया के राजकुमार को उससे प्रेम हो जाता है। जब अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो मिस आरन एडलर भी उनके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। कई सालों तक इनका प्रेम बढ़ता है, लेकिन अब बोहेमिया के राजकुमार जो थे राजा बन चुके थे, ठीक है, और अब इनका विवाह जो है वह पड़ोस के
एक राजकुमारी से तय हो जाता है। मिस आरे नेडलर एक राजघराने की नहीं थी, इसीलिए बोहेमिया के राजकुमार का विवाह उसके साथ नहीं हो सकता था। अब इस बात का पता मिस आरे नेडलर को लग जाता है। मिस आरे नेडलर बोहेमिया के राजा को यह धमकी देती है कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं सारे प्रेम पत्र, आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को मैं राजकुमारी को दिखा करके आपके विवाह को तोड़वा दूंगी। इसका स्टोरी जो है आर्थर कॉनन डॉयल ने इस लेसन ट्रबल इन बोहेमिया में अप्रस्तुत किया है। सातवां लेसन है आपका, इसमें डेड है, डेड है, अ मैंस है, अ पाथ। डेड का मतलब होता है मृतक, मेन का मतलब होता व्यक्तियों का, पाथ का मतलब रास्ता, अर्थात मृतक व्यक्तियों का रास्ता। इसको लिखने वाले बच्चों जो स्टोरी राइटर हैं उनका नाम है चिनुआ अ अ चे बी, ध्यान रखना आप लोग। डेड मेन्स पाथ का मतलब होता है मृतक व्यक्तियों का रास्ता। इसको लिखने वाले जो स्टोरी राइटर का मतलब कहानीकार हैं उनका नाम है चिनुआ अचेबी। इस कहानी में माइकल ओबी नामक एक युवा हेडमास्टर थे, ठीक है, उनका पदस्थापन जो है निड्यून सेंट्रल स्कूल में कर दिया जाता है, और निड्यून सेंट्रल स्कूल जो था वह एक पिछड़ा हुआ स्कूल था। उस स्कूल के, ठीक है, जो ग्राउंड था उस ग्राउंड से एक रास्ता जाता था और ये रास्ता ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। ये रास्ता जो था वो कब्रिस्तान की तरफ जाता था। इन गांव वालों के लिए ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि जो पूर्वज उनके मर चुके हैं उनकी यात्रा, उनकी आत्मा जो है वह इसी रास्ते से हो करके इस गांव में प्रवेश करती है जब वो कभी उनसे मिलने के लिए आते हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उस गांव में जिन बच्चों का जन्म होना अभी बाकी था उनकी भी आत्मा इसी रास्ते से चल करके इस गांव में प्रवेश करती थी। ये युवा हेडमास्टर माइकल ओबी जो था वो इस रास्ते को बंद करवा देता है, जिसके कारण इस गाँव वालों से और इस विद्यालय के लोगों से बहुत बड़ा झगड़ा उत्पन्न होता है। कैसे क्या होता है इसका पूरा विवरण जब मैं इस लेसन को पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। अब आ जाइए बच्चों आठवां लेसन, आठवां लेसन जो है वह इसमें है द गिफ्ट ऑफ माजी। द गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, इस आव का मतलब होता है काके की, माजी का मतलब होता है क्रिसमस, अर्थात क्रिसमस का उपहार। इसको लिखने वाले जो स्टोरी राइटर हैं उनका नाम है अ ओ अ हेनरी। बताओ क्या नाम है? ओ हेनरी। ओ हेनरी जो है वह इनका उपनाम है, जबकि इनका पूरा नाम जो है विलियम सिडनी पोर्टर है। ये भी बड़ी गजब की प्रेम कहानी है। इस गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ माजी में दो होते हैं, दो युवा कपल होते हैं, एक का नाम जिम था, ठीक है, और दूसरे का नाम जो था वह डेला था। जिम जो है एक लड़के का नाम था और डेला उस लड़की का नाम था। दोनों लीव इन रिलेशन, रिश्ते के तहत एक पति पत्नी के रूप में रहते थे। जिम की सबसे कीमती वस्तु जो थी वह इसकी गोल्ड का मतलब होता सोने की, वॉच का मतलब होता घड़ी थी। ध्यान देना बच्चों, जिम की सबसे कीमती वस्तु जो थी वह उसके सोने की घड़ी थी, जिस घड़ी का मालिक कभी उसका दादा हुआ करता था। उसके दादा के मृत्यु के बाद उस घड़ी का मालिक उसका पिता था, अपने पिता के बाद उस घड़ी का मालिक कौन हुआ करता था? जिम। तो इस सोने की घड़ी जो थी वह जिम की सबसे कीमती वस्तु थी। दूसरा इसमें करैक्टर है डेला, डेला की सबसे कीमती वस्तु जो थी वह इसके लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर का मतलब इसके लंबे बाल थे, जिन बालों से वो बहुत प्रेम करती थी। क्रिसमस आ जाता है और उस क्रिसमस के त्यौहार पे डेला
जिम को उपहार देना चाहती थी और जिम डेला को उपहार देना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि इन दोनों के पास एक दूसरे को उपहार देने के लिए धन या पैसे नहीं थे। तो डेला जो है वो अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु अपने लंबे बालों को बेच करके अपने जिम के लिए उपहार खरीदती है, और जिम जो है वो अपने डेला के लिए उपहार देने के लिए अपनी सोने की घड़ी को बेच करके इस डेला के लिए उपहार खरीदता है। इसी का एक विस्तृत गस्प का कहानी वर्णन प्रस्तुत जो है वो ओ हेनरी ने इस द गिफ्ट ऑफ माजी में अप्रस्तुत किया है। यस बच्चों, जब मैं इस लेसन को पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसमें पूरा विस्तार से क्या क्या किया जाता है। अब आ जाओगे नौवा लेसन जो है वह इसमें है द लॉस्ट लेसन। इस द लॉस्ट का मतलब होता है अंतिम, लेसन का मतलब होता अध्याय, अर्थात अंतिम पाठ या अंतिम अध्याय। इसको लिखने वाले जो स्टोरी राइटर हैं उनका नाम है अल्फोंस डेट। फिर से बच्चों सुनना, देखो यहाँ पे द लास्ट का मतलब होता अंतिम, लेसन का मतलब होता अध्याय। इसको लिखने वाले जो हैं वो कौन है? अल्फोंस डोडेट। ये कहानी भी बड़ी गजब की स्टोरी है। ये कहानी 1870 और 71 के बीच की कहानी है, उस समय जब फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध हुआ था। यानी प्राचीन समय की जो प्रसिया है वो वर्तमान समय की जर्मनी है, ठीक है? यानी प्राचीन समय की जो प्रसिया है वो वर्तमान समय की जर्मनी है। फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में जर्मनी जो है वो फ्रांस के दो जिलों को अपने कब्जे में कर लेता है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन से यह आदेश आ जाता है कि अब इस एल्सास और लॉरेन, ये दोनों जिले हैं, इन जिलों में अब फ्रेंच भाषा के स्थान पे जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। और इस जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए अगले दिन इस स्कूल में कोई नया अध्यापक आ जाएंगे। इसलिए उस क्लास में जो अध्यापक ये महमिल थे क्लास में जाते हैं और विद्यार्थियों को बताते हैं कि किस प्रकार से आज उनके इस फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। ये भी कहानी आपको बड़ी गजब तरीके से प्रस्तुत की गई है। इस अल्फोंस डोडेट ने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने भाषा के खोने का दुख या अफसोस होता है। तो यह आपको इस नौवें लेसन में प्रस्तुत किया जाएगा। अब आना बच्चों दसवां लेसन। दसवां लेसन जो है वह आपका है गोइंग अ प्लेसेस। इस गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है कल्पना की उड़ान। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता? कल्पना की उड़ान। इसको लिखने वाले जो हैं वह है ए आर बार्टन। बताइए कौन है लेखक या कहानीकार? ए आर बार्टन। इसमें दो लड़कियां हैं, ये भी एक काल्पनिक प्रेम कहानी है जिसमें दो लड़कियां हैं। एक लड़की का नाम सोफी है और एक लड़की का नाम जेंसी है। दोनों एक दूसरे की सहपाठिनी थी, दोनों स्कूल साथ जाती थी, दोनों स्कूल साथ वापस आती थी। सारी विचारधाराएं दोनों की एक थी, लेकिन दोनों स्कूल छोड़ने के बाद या स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग स्थान को जाना चाहती थी। सोफी जो थी स्कूल छोड़ने के बाद अपने शहर में एक बड़ी बुटीक को खोलना चाहती थी, जबकि जेंसी जो है वह जानती थी कि वह एक गरीब परिवार से आती है, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह किसी दूसरे व्यवसाय को कर सके। इसलिए उसे पता था कि आखिरकार या अंत में उसे बिस्किट के कारखाने में ही काम करना पड़ेगा। इसके बारे में इस ए आर बार्टन ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। सोफी वहीं आयरलैंड के एक फुटबॉल के महान खिलाड़ी डेनी केसी से वह अपनी कल्पनाओं में अप्रेम करती है। इसलिए गोइंग प्लेसेस जो है वह एक प्रकार से एक काल्पनिक अप्रेम कहानी है। अब आ जाओगे बच्चों 11वां लेसन जो है वह आपका है द रैट ट्रैप। इस रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी।
इसको लिखने वाली जो कहानीकार हैं उनका नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। फिर से ध्यान देना बच्चों, 11वां लेसन जो है वह आपका क्या है, द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। इसको लिखने वाली कहानीकार जो है वह सेल्मा लेजरलॉफ है। कौन है? सेल्मा लेजरलॉफ। ये भी एक गजब की कहानी है जिसमें एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला था। वह चूहेदानी बनाने वाले सामान को वह भीख स्वरूप मांग करके किसी जगह से लाता था, ठीक है, और उसी सामान से वह अपने स्वयं के हाथों से चूहेदानी को बनाता था और उसे बना करके वह घूम घूम करके चारों तरफ चूहेदानी को बेचता था। लेकिन अफसोस इस बात का था कि कभी कभी उसकी एक या दो चूहेदानी बिक जाती थी और कभी कभी ऐसे कई दिन बीत जाते थे उसकी एक भी चूहेदानी बिकती नहीं थी। तो उसे मजबूर होकर के अपने पेट को पालने के लिए कभी कभी उसे भीख मांगना पड़ता था, और जब लोग भीख भी नहीं देते थे तो उसे छोटी मोटी चोरी करना पड़ता था। इसका विस्तृत वर्णन इस सेल्मा लेजरलॉफ ने अपनी इस कहानी द रेड ट्रैप में प्रस्तुत किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो पनोरमा दूसरी किताब है उसके ये 11 लेसन है जो इस प्रकार से हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता चुका हूं कि बोर्ड में इससे कितने नंबर के सवाल आते हैं, 15 नंबर के, और कुल कितने प्रश्न होते हैं इसमें, 5। अब वो कैसे कैसे क्या आता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ध्यान देना, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बता चुका था कि प्रश्न कहां तक, 23 तक। अब देखो ये जो बोर्ड का 24 क्वेश्चन होगा तो वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 2 सवाल आएंगे, दोनों सर टाइप नहीं, दोनों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे जिसका उत्तर आपको 125 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में लिखना होगा? 125 शब्दों में। इन दोनों में से बच्चों आपको दोनों नहीं करना है, इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। और इसके लिए बोर्ड जो है वह आपको कितने अंक देता है जानते हो? 7 अंक। कितने अंक देता है? 7। फिर से ध्यान देना कि 24वां क्वेश्चन आपके इस पनोरमा से आता है, बता चुका हूं पनोरमा से आता है जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और दोनों ऑप्शन में होते हैं, दोनों में से आपको करना एक होगा और वह कितने अंक का होगा? 7 अंक का। फिर उसके बाद यहाँ पे 25, 26, 27 और 28, कुल देखिए 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे और ये 60 टाइप क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर आपको इस 30 से 40 शब्द के बीच में लिखना होगा। बताइए कितने शब्द में लिखना होगा? 30 से 40 शब्द के बीच में लिखना होगा। इन चारों को करना होगा, ठीक है। इन 11 लेसन में से किसी 2 लेसन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गए तो पीछे बचे 9 लेसन। अब इस 9 लेसन में से 4 सार टाइप क्वेश्चन आएंगे, चारों को करना होगा। प्रत्येक प्रश्न की कीमत 2 होती है तो यहाँ पे 4 × 2 बराबर कितने हो गए? 8। तो ध्यान रखो 8 ये हो गए, 7 ये हो गए, इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ कितने हो गए? 15। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि पनोरमा आपकी कितने नंबर की आती है? 15। और कुल कितने प्रश्न होते? देखो 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, कुल कितने सवाल हो गए? 15। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को रेनबो का विवरण दे चुका हूँ, कंपोजिशन का विवरण दे चुका हूँ और यहाँ पे पनोरमा का विवरण दे चुका हूँ। तो डियर विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे पहले इसमें शुरू करूँगा पोइट्री पढ़ाना, ठीक है। तो कल से आप लोग जो है अपने साथ जब इस वीडियो को देखोगे तो किताब, पेंसिल और अपने नोटबुक्स को ले करके बैठोगे ताकि साथ साथ आप घर बैठ करके लिख पढ़ सको। मैं थोड़ा सा आपको आज पोइट्री के बारे में बताता हूं कि पोइट्री होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ध्यान देना बच्चों, मैं सबसे पहले रेनबो के 2 पार्ट बता चुका हूँ,
प्रोज और पनोरमा, सॉरी प्रोज और पोइट्री। तो मैं सबसे पहले आपको शुरू करने जा रहा हूं पोइट्री। इस पोइट्री का मतलब क्या होता है? पद्य। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये कितने नंबर की आती है, 10 नंबर की। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पोइट्री, ये पद्य क्या है, ठीक है? यानी हम इस पद्य से क्या समझते हैं, यानी कहने का मतलब पोइट्री का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। ध्यान देना बच्चों, तो यहां पे देखना, पोइट्री इज अ फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, अ आव, अ लीट, अ रेचर, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। तो नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, देखो पोइट्री का मतलब होता बच्चों पद्य, इज अ फॉर्म का मतलब होता है रूप, यानी पद्य एक रूप है, आव लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, यानी पद्य जो है साहित्य का एक रूप है। आगे देखना, इट इज, तो ध्यान देना बच्चों इस इट का उपयोग यहां पे किसके लिए किया जा रहा, जानते हो? इस पद्य के लिए। इट इज लाइक, लाइक का मतलब होता है के समान। इट इज लाइक लव, लव का मतलब होता है प्रेम। इन इट का मतलब होता है यह पद्य जो है, लाइक का मतलब होता है के समान होता है, किसके, लव का मतलब होता है प्रेम, यानी यह पद्य जो है वह प्रेम के समान होता है। ध्यान देना आप लोग, यानी पद्य जो है साहित्य का एक भाग है, यह प्रेम के समान होता है। इफ है, ठीक है, इफ का मतलब होता यदि, समवन, समवन का मतलब होता है कोई एक, समवन का मतलब क्या होता, कोई एक, आस्क्स है, आस्क्स का मतलब होता पूछता है, इफ समवन आस्क्स मी, मी का मतलब मुझसे, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट अ इज अ लव, यानी प्रेम क्या है, इफ, इफ का मतलब होता बच्चों यदि, समवन का मतलब कोई एक, आस्क्स का मतलब होता है पूछता है, मी का मतलब मुझसे, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज लव, प्रेम क्या है, तो आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट, तो मैं इसकी व्याख्या नहीं दे सकता। तो देखो यहां पे आई कॉन्ट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता व्याख्या करना, इट का मतलब होता इसकी, किसकी, प्रेम की, तो मैं इस प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, लव का मतलब होता प्रेम, अ कैन बी, वनली का मतलब होता है केवल, फेल्ट है, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, क्योंकि प्रेम को केवल महसूस किया जा सकता है। बट नॉट है, नॉट का मतलब होता नहीं, बट नॉट एक्सप्लेन, बल्कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ध्यान देना आप लोग, आई का मतलब होता मैं, कांट है, एक्सप्लेन का मतलब होता व्याख्या करना, मैं व्याख्या नहीं कर सकता, किसकी व्याख्या नहीं कर सकता, तो इस इट, इट का मतलब होता इस प्रेम की, इस प्रेम की मैं व्याख्या नहीं कर सकता। बिकॉज का मतलब होता क्योंकि, लव का मतलब होता प्रेम को, कैन बी, वनली का मतलब होता है केवल, फेल्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फील, फील का मतलब महसूस करना, इस प्रेम को केवल महसूस किया जा सकता है। बट नॉट एक्सप्लेन, बल्कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सपोज दैट, जैसे कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि सर आप अपनी वाइफ से कितना प्रेम करते हो, तो बताइए आप सोचिए मैं क्या कहूँगा, कि मैं 1 किलो प्रेम करता हूँ, 2 किलो प्रेम करता हूँ, 1 क्विंटल प्रेम करता हूँ, 1 लीटर प्रेम करता हूँ, नहीं, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि प्रेम को केवल महसूस किया जा सकता है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक इसी तरीके से इन द सेम वे, इन द सेम वे का मतलब होता है ठीक इसी तरीके से। इफ, इफ का मतलब होता यदि, समोन का मतलब होता कोई एक, आस्क्स का मतलब होता पूछता है, मी का मतलब होता मुझसे, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज अ
अ पुट्टी, यानी पद्य क्या है? इफ समवन आस्क्स मी, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज पुट्टी, यानी पद्य क्या है, तो आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन, तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, इट का मतलब होता है इस पद का, तो मैं इस पद की व्याख्या नहीं कर सकता। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, अ इट अ कैन बी, वनली का मतलब होता है केवल, फेल्ट का मतलब होता महसूस करना, क्योंकि इस पोएट्री पद को केवल महसूस किया जा सकता है। बट नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, बल्कि इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, अगर हम प्रेम की परिभाषा नहीं दे सकते, अगर हम प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से हम इस पद की भी परिभाषा नहीं दे सकते, इस पद को हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको यहां पे फिर से बता दिया कि पद जो है इज लाइक अ फॉर्म, इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब साहित्य, यानी पद जो है साहित्य का एक रूप है। इट इज लाइक अ लव, यह प्रेम के समान होता है। इफ, यदि समवन का मतलब होता कोई एक, आस्क्स का मतलब होता पूछता है, मी का मतलब होता मुझसे, व्हाट इज लव, प्रेम क्या है, तो आई कांट एक्सप्लेन इट, तो मैं इसकी व्याख्या नहीं दे सकता। बिकॉज, क्योंकि लव का मतलब होता प्रेम को, कैन बी वनली का मतलब होता केवल, फेल्ट का मतलब महसूस किया जा सकता है, बट नॉट एक्सप्लेन, बल्कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, इफ समवन आस्क्स मी, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज पोएट्री, पद्य क्या है, तो आई कांट एक्सप्लेन इट, मैं इसकी व्याख्या नहीं दे सकता। बिकॉज, क्योंकि इट कैन बी वनली फेल्ट, इस पद को केवल महसूस किया जा सकता है, बट नॉट एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। कल मैं आपको फिर भी, इसके बावजूद भी, विलियन वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, पीबी सेली, विलियन शेक्सपियर, ऐसे महान कवियों ने इस पद को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसकी परिभाषा मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा। और डियर विद्यार्थियों, आप इस बात का ध्यान रखना, कल से हमारा इस रेनबो के पोएट्री पद का पहला लेसन जो है प्रारंभ होगा, क्योंकि जो भी आवश्यक जानकारी सिलेबस से संबंधित थी, इन किताबों से संबंधित थी, इन कंपोजिशन से संबंधित थी, वह सब कुछ मैं आपको